इस वक्त न्यूज लाइव राजस्थान पर आप देख रहे हैं राजस्थान मौसम अपडेट। आगामी 48 घंटों के दौरान कई जिलों में लू चलने की आशंका। मार्च खत्म होने में अभी दो दिन और है, लेकिन लगातार अब सूर्यदेव के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। जयपुर समेत प्रदेश भर में लगातार दिन के साथ साथ रात का पारा भी अब तेजी से बढ़ रहा है, जिससे शहरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में विभिन्न जिलों में अधिकतम पारा सामान्य से 5 से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक चूरू, भरतपुर, करौली में अधिकतम पारा 42 डिग्री के पार दर्ज किया जा चुका है। वहीं आगामी दिनों में पारे में और इजाफा होना तय है। ऐसे में गर्म हवाओं का दौर भी जयपुर समेत अन्य जगहों पर देखने को मिल रहा है, इससे लगातार शहरवासी परेशान हैं। प्रदेश में बीती रात को सबसे कम तापमान माउंट आबू का 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा प्रदेश में बीते दिन सोमवार को सबसे अधिक तापमान चूरू का 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जयपुर का पारा 40.2, भरतपुर करौली में भी पारा 43.1, धौलपुर का पारा 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कोटा का पारा 42.8, बाड़मेर फलौदी का 42.6, पिलानी का 41, जयपुर का पारा डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल बढ़ती गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के प्रभारी RS शर्मा ने बताया कि राज्य के अधिकांश स्थानों पर तापमान औसत से 2 से 4 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। 10 से अधिक जगहों पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है। आगामी 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, जालौर तथा बाड़मेर जिले में कहीं कहीं हीट वेव या लू चलने की आशंका है।